क्लास 7 जी के लेसन 9 डिफरेंट थेरेपीज विभिन्न उपचार। थेरेपी इज द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज और डिसऑर्डर्स। थेरेपी क्या है? एक इलाज है किसका? डिसीज, बीमारियों का, और डिसऑर्डर जो हमारे विकार या गड़बड़ी हो जाती हैं शरीर के अंदर। एज बाय सम रेमेडियल रिहेबिलिटेशन, किस उसके उपचार से उसको अच्छा कर देते हैं, और क्यूरेटिव प्रोसेस उसका उपचारात्मक प्रोसेस भी है। दे आल्सो गिव अस मेंटल सेटिस्फेक्शन, वे हमको संतुष्टि, मानसिक संतुष्टि प्रदान करती है। लेट्स अस लर्न अबाउट सम और टू द फेमस एंड इम्पोर्टेंट थेरेपी। आओ हम जानते हैं, पढ़ते हैं जो फेमस और महत्वपूर्ण थेरेपीज हैं उसके बारे में। एक्यूप्रेशर इज ए वे ऑफ एसेसिंग एंड रिलीजिंग ब्लॉक्ड और कंजेस्टेड एनर्जी सेंटर्स इन द बॉडी। एक्यूप्रेशर क्या है? इज ए वे, वह तरीका या रास्ता है एसेसिंग एंड रिलीजिंग ब्लॉक्ड, वो जो रुके हुए जो रिलीज करता है ब्लॉक्ड और कंजेस्टेड एनर्जी, जो सकड़ी और रुकी हुई एनर्जी है उसको ठीक करता है। सेंटर्स इन द बॉडी, बॉडी के अंदर। इट कैन बी परफॉर्म्ड वाइल सिटिंग ऑन ए चेयर और स्टूल। यह जब की जाती है जब या तो हम किसी चीज़ पर बैठे हों या लेटे हुए हों, इस चेयर पे स्टूल पे बैठे हों, और लाइंग ऑन ए टेबल या टेबल पे लेटे हों, और मैट के ऊपर। इट कैन बी डन एनी वेयर, या कहीं भी की जा सकती है। ऑल दो ए क्वाइट रिलैक्सिंग एटमोसफियर इज मोस्ट डिस्क्राइबल, यद्यपि ये शांत और रिलैक्सिंग एटमोसफियर आराम वाले वातावरण में की जाए तो ज़्यादा योग्य होती है इसका। एक्यूप्रेशर्स इन्वॉल्व्स प्लेसिंग फिजिकल प्रेशर। एक्वाप्रेशर के अगर में जुड़ा होता है प्लेसिंग फिजिकल प्रेशर दिया जाता है शारीरिक उसमें बाई हैंड्स के द्वारा टू अवर हेड्स, हैंड की जो हेड होता है सिर या किनोर होती है उससे द्वारा दिया जाता है, और होल्ड अवर बैक बाई द एज और उसको पकड़ा जाता है बैक पीछे से बाई द एज जहाँ पीड़ा होती है। सेकंड है लाफ्टर थेरेपी। लाफ्टर कैन बी ए पावरफुल थेरेपी फॉर बोथ द पेशेंट एंड द कैरी गिवर। लाफ्टर थेरेपी दोनों को दी जाती है, बहुत पावरफुल शक्तिशाली थेरेपी है। किसके लिए? पेशेंट्स के लिए और कैरी गिवर जो उसको देखभाल करता है या दिख रेख करने वाले को देखने वाला। ह्यूमर एंड लाफ्टर कैन फॉस्टर ए पॉजिटिव एंड होपफुल एटीट्यूड। ये ह्यूमर हास्य एंड लाफ्टर हंसी कैन फॉस्टर, ये बढ़ावा देती है ए पॉजिटिव सकारात्मक एंड होपफुल आशावादी एटीट्यूड। लाफ्टर प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द रिलीज ऑफ दोज अनकम्फर्टेबल इमोशंस। लाफ्टर प्रदान करती है एन अपॉर्चुनिटी फॉर द रिलीज ऑफ दोज अनकम्फर्टेबल, जो बेआराम है, जो आरामदायक नहीं है ऐसे लोगों को, इमोशंस जो भावनात्मक से जुड़े होते हैं, विच इट हेल्ड इनसाइड में क्रिएट, ये अंदर पैदा करती है बायोकेमिकल चेंजेस, जैव रसायन में परिवर्तन कर देती है दैट आर हार्मफुल टू द बॉडी, जो कि अपने बॉडी के लिए नुकसानदायक होते हैं। रेकी थेरेपी। रेकी इज ए फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। रेकी क्या है? ए फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, आध्यात्मिक प्रैक्टिस है। यूज्ड एज ए कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी, यूज्ड जैसे इसको यूज किया जाता है कॉम्प्लीमेंट्री पूरक थेरेपी के रूप में।
प्रपोज्ड फॉर द ट्रीटमेंट, ये प्रस्तावित किया था फॉर द ट्रीटमेंट, इलाज के लिए, ऑफ फिजिकल इमोशनल्स, जो फिजिकल शारीरिक से इमोशनल भावनात्मक मेंटल मानसिक एंड स्पिरिचुअल डिसीज जो बीमारी होती हैं। द थेरेपी वॉज द डेवलप्ड बाई माइको उसाई इन जापान, ये थेरेपी माइको उसाई जापान में पैदा हुई थी इन द अर्ली 20th century, 20वीं शताब्दी में प्रारंभ में। इट स्टेट्स दैट द एनर्जी फ्लोज, इट स्टेट द एनर्जी फ्लोज थ्रू देयर पाम्स टू ब्रिंग अबाउट हीलिंग्स, ये हथेली के थ्रू दी जाती है, उसके द्वारा उपचार किया जाता है। एक्यूप्रेशर में भी मोर अप्रोप्रिएटली कॉल्ड ट्रेडिशनली ओरिएंटल मेडिसिंस, एक्यूप्रेशर क्या है, मे बी मोर अप्रोप्रिएट, ये उपयुक्त है, कॉल्ड ट्रेडिशनली ये पारंपरिक है, ओरिएंटल मेडिसिन ये पूर्वी दवाई है। एक्वाप्रेशर इज ए टेक्निक्स ऑफ प्लेसिंग ऑफ वेरी थिन स्टेनलेस स्टील नीडल्स, एक्वाप्रेशर में एक ऐसी टेक्निक है जिसमें जो पतली नीडल्स होती हैं इनटू अप्रोप्रिएट एक निश्चित पॉइंट्स पे लगाई जाती हैं अराउंड द बॉडी, बॉडी के चारों ओर। द नीडल में वेरी फ्रॉम हाफ ऑफ एन इंचज टू 3 inches, ये हाफ इंच से 3 inches तक होती हैं नीडल्स, इनटू द बॉडी, बॉडी के अंदर दी जाती हैं डिपेंडिंग ऑन द ट्रीटमेंट, ये उपचार पर निर्भर करता है एंड द पार्ट ऑफ द बॉडी और बॉडी के हिस्सों पर निर्भर करता है। तो ये आपने पढ़ा लेसन 9, आगे आप इसकी रीडिंग लगाएं। थैंक यू।